वेलकम मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी आई है खेल खेल में, करेंगे उसका रिव्यू। ये मूवी देखने के बाद आपको अपना फोन किसी को देने में 100 बार सोचोगे। भले ही सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही है कि खेल खेल मूवी की इससे पहले 28 जैसी फिल्में बन चुकी है, लेकिन मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि इंडिया में लगभग 70 से 80 लोगों ने से पहले ऐसी मूवी नहीं देखी होगी, तो इंडियन ऑडियंस के लिए ये मूवी तो फ्रेश ही कही जाएगी। मैं हॉनेस्टी से बोलना चाहूँगा कि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि लगभग इस पूरी मूवी की लगभग 70 से 80% मूवी की शूटिंग एक बंद कमरे या बंद घर में हुई है। टिपिकली कहानी है 7 फ्रेंड्स की, और 7 फ्रेंड्स के बीच में एक गेम खेली जाती है। इस गेम में हमें ना सोचे हो ऐसे ऐसे काम हमें देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं एक्टिंग के बारे में, तो अक्षय कुमार का लिटरली कमबैक हो गया है। अक्षय कुमार आपको गरम मसाला, हेरा फेरी जैसे कॉमेडी पंचज उस मूवी में देखे गए थे, ऐसे कॉमेडी इस मूवी में करते दिखे हैं। के अलावा सबसे बेहतरीन एक्टिंग लगी मुझे तापसी पन्नू की। फरदीन खान का कमबैक भी बहुत बढ़िया था। दूसरे एक्ट्रेस एमी विक, वाणी कपूर जैसे स्टार्स ने डिसेंट काम किया है। कहीं न कहीं मेकर्स बेहतरीन स्टोरी होने के बावजूद भी इसके प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी दिखती है। मानूंगा कि इससे तो कई गुना ज्यादा तरीके से प्रेजेंट हो सकती थी मूवी, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी थी भाई साहब लाजवाब। मूवी तो काफी बढ़िया है, लेकिन हम आपको बढ़िया लगे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई। और अक्षय कुमार के फैंस है तो फटाफट जाके मूवी को देखिए, वन टाइम वॉच तो मूवी जरूर है। और ऐसी ही खबर के लिए आपके अपने भाई के चैनल पागल बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई दोस्तों।